निरसा में 20% भाड़ा बढ़ोतरी समेत अन्य मांगों को लेकर बीते 14 दिनों से हाईवा एसोसिएशन और एमपीएल प्रबंधन और ट्रांसपोर्टर की तानाशाही रवैये के विरुद्ध शांतिपूर्ण तरीके से दिए जा रहे धरने ने शुक्रवार को उग्र रूप ले लिया। प्रबंधन और ट्रांसपोर्टर के तानाशाही रवैये के खिलाफ संयुक्त हाईवा एसोसिएशन की तरफ से धरनास्थल से एमपीएल गेट तक विशाल जनाक्रोश रैली निकाली गई। बारिश होने के बावजूद भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। एमपीएल गेट पर प्रबंधन और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वक्ताओं ने कहा कि जब तक हमारी 20% भाड़ा बढ़ोतरी की मांग पूरी नहीं होती है, आंदोलन जारी रहेगा। 14 दिन से हम लोग आंदोलनरत है और शांति हम लोग किसी को अवरोध नहीं किए हैं। कल पूरा जिला प्रशासन, पूरा जिला के साथ साथ थाना SDPO साहब, CO साहब के उपस्थिति में पूरा अनाउंस के बाद सिर्फ 3 गाड़ी निकला, वो भी गाड़ी जो है निरसा का मालिक और किसी को दे दिया है, मैंने मंथली में दे दिया, वही गाड़ी निकला, कोई जनता का गाड़ी नहीं निकला, हाईवा मालिक अपना स्वेच्छा से गाड़ी नहीं निकला। अब इस रैली से एमपीएल को भी चेतना देना चाहेंगे कि आज पूरा प्रदेश के हाईवा मालिक एक है, अगर हम लोग पूरा देश का हाईवा मालिक को एक करेंगे। आज 13 साल में जो 20% भाड़ा का मांग कर रहे हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। रेल आने के कारण हम लोगों को रोजगार घट गया और 20% भाड़ा इनको देना होगा, तभी इनका छाया कोयला का ढुलाई होगा। हर पॉइंट पर जहाँ इनका कोयला लोडिंग होता है, सारे पॉइंट का मालिक एक साथ होकर करके हमारे साथ दिए हैं, कहीं भी इनका गाड़ी लोडिंग नहीं होगा। इसीलिए हमको एमपीएल के अधिकारी से निवेदन है कि हमारा जल्द से जल्द बैठक कर करके हमारा भाड़ा को निष्कासन कराएं, तभी इनका प्लांट चल सकता है। और जबरन ये प्लांट नहीं चला सकते हैं, और हमारा आज महात्मा गांधी के उन्हीं के दिशा निर्देश में जिस तरह से वो लड़ाई लड़े हैं देश को आजाद करने में, उस तरह से ही आज हमारा ये आंदोलन चल रहा है। यदि इस आंदोलन करते हुए यदि मेरा फैसला नहीं होता है, तो एक निशा का पूरे हाईवा मालिक और जितने मोटर पास बैटरी मिस्त्री जितने लोग हैं, जितने लोग हाईवा से जुड़े हुए हैं, उनका रोजी रोटी का सवाल है। कम से कम 10,000 आदमी जुड़े हुए हैं, ये सारा लोग लास्ट में उग्र आंदोलन को चले जाएंगे। सुभाष चंद्र बोस का जो आंदोलन है, लास्ट में यदि हम लोग का नहीं, झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची।